हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रिय चैनल अपना संसार। तो आज की DIY लेकर के मैं हाजिर हूँ। चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ और किससे बनाने। जी हाँ, ये कैप इकट्ठा की मैंने हार्पिक के कुछ बॉटल्स की। कुछ छोटे बॉटल्स हैं और कुछ बड़े बॉटल्स हैं। आज मैं इसी से बनाऊंगी बहुत ही खूबसूरत सा यूनिक सा DIY। दूसरा यूज करूंगी मैं ये कलरफुल ऊन जो लगभग सभी के घरों में बच जाते हैं जब हम बुनाई करते हैं सर्दियों में। तो बस कैप को मैंने कवर करना शुरू कर दिया है। आप भी इसी तरीके से अपने मनपसंद कलर से जैसा कलर आप चाहें वैसा कवर कर सकते हैं, चाहे तो इसे पेंट भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर बनेगा इसका जो भी मैं बनाने जा रही हूँ। जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया है, मैं वॉल हैंगिंग ही बनाऊंगी। इसको मैं 3 कलर से कवर करूंगी। अगर आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर शेयर करने वाला हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि घर में जो मेंबर्स हों उन्हें अच्छा लगे अगर बनाना, और उनके घर में भी बेकार सी चीज़ें पड़ी हों तो उन्हें रियूज कर लें। फेंकने से अच्छा है उनका कुछ अच्छा सा बनाना और यूज़ करना। अब मैं तीसरा कलर भी यूज़ कर लूँगी इस पर, तो ये बन जाएगा बड़ा ही सुंदर सा अट्रैक्टिव सा कलर, कलरफुल हमारा। आप चाहे तो इस पर फेविकोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे भी चिपक जाता है, लेकिन ग्लूगन से कहीं अच्छा चिपकता है और फटाफट चिपक जाता है। ग्लू स्टिक आपकी जितनी अच्छी होगी ये उतना ज़्यादा टिकाऊ और अच्छा होगा। तो हमने इसको कवर कर दिया इस तरीके से। चलिए अब इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं वाइट कलर से, क्योंकि कुछ भी आप बनाइए अगर हाईलाइट नहीं करेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपने ज़्यादा सा कलर यूज किया है तो आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। तो अगर हम जब कलर से यूज करते हैं तो कलर से हाईलाइट करते हैं, तो हमने ऊन इस्तेमाल किया तो मैं हम ऊन से ही हाईलाइट करूंगी। मैंने वाइट कलर से इसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया है। जहाँ जहाँ पर हमने कलर का यूज किया है वहाँ पर हम इसको वाइट से हाईलाइट कर देंगे। अच्छे से चिपकाना है ताकि मजबूती से ये चिपक जाए और निकले नहीं। ये देखिए, अब हम रेड के ऊपर भी फिर से हाईलाइट कर देंगे ताकि हमारा जो ग्रीन और रेड का हिस्सा है वो अलग हो जाए। हम महंगी महंगे सामान को खरीदने से अच्छा है घर में बेकार फेंकी जाने वाली चीज़ों से यूज करें। अपने पर्यावरण को भी बचाएं और घर को भी सजाएं। तो ये देखिए, ये रेडी हो चुका है। मैंने दूसरा छोटा वाला भी बना लिया है। इसी तरीके से मैं 5 बड़े और 5 छोटे बना लूंगी। तो ये देखिए, सारे बन करके रेडी हो गए हैं। अब मैंने ली है ये लकड़ी की डंडी थी, पतली सी है, ना बहुत मोटी ना बहुत पतली, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसकी डाल जैसी बनेगी ना तो बहुत सुंदर लगेगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको ढकने के लिए ग्रीन कलर के ऊन से इसको पूरा कवर कर दे रही हूँ। और ये देखिए, वही स्टिक है ना जो फर्स्ट क्लास की, रेडी हो चुकी है एक बढ़िया से ग्रीन कलर में। और ये छोटे छोटे से मिरर मेरे पास पड़े हुए थे तो इससे मैं इसको डेकोर कर देती हूँ, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को डेकोर कर देते हैं तो ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। तो मैं मिरर को चारों तरफ से लगा दूंगी, नीचे और ऊपर दोनों तरफ, जिससे ज़्यादा सुंदर लगने लगेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एकदम से कंप्लीट दिखाऊं, ताकि आपके समझ में आए कि कैसे क्या बना है। आधा अधूरा अगर मैं दिखा देती हूँ तो वो आपकी समझ में नहीं आएगा, आप कभी भी परफेक्ट नहीं बना पाओगे। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल देखिए। थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन आपके काम की ज़रूर होने वाली है। तो मैंने नाप लिया है, अब मैं लगाऊंगी ये एक मोती की लेस मेरे पास थी जिसको मैं अंदर से लगाऊंगी, जिससे ये बहुत सुंदर लगने लगेगी।
जब अंदर से लगेगी और मोती मोती इसमें नजर आएंगे। ये देखिए कितनी प्यारी लगने लगी है। इसको कौन कहेगा कि ये कैप है, और वो भी हार्पिक के। इसी तरीके से मैंने सारे बना लिए हैं। और चलिए अब हम इनकी लड़ियां बना लेते हैं, इनको पिरो लेते हैं एक में। तो मैंने ये ग्रीन कलर का ऊन लिया है और बड़ी सी सुई ली है। छोटी सुई में ये ऊन नहीं आता है। और एक बड़ी मोती ली है गोल्डन कलर की। ऐसा करते हैं छोटी छोटी मोतियां ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इस तरीके की बीड्स पड़ी हुई हैं। मैंने गोल्डन कलर की ही ले ली है। इस तरीके से अब मैं बड़ी वाली जो कैप है उसको ले लूंगी और इसे इस तरीके से हैंग करूंगी। इस तरीके से यह भी और नीचे जाएगा तो हल्का सा दिखाई पड़ेगा जब कैप से, तो बहुत सुंदर लगेगा। अब आपको किस कलर का मोती लेना है, किस तरीके से आपको बनाना है, यह पे डिपेंड करता है। यह आपका एक मैजिक हो सकता है, हो सकता है आप मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा बना सको। मेरी समझ में तो जैसा आया है वैसा मैं बना रही हूँ, और ये ही बहुत अच्छा लगने वाला है। मैंने कुछ व्हाइट कलर के मोती लिए, कुछ पिंक कलर के लिए हैं, और इन्हीं से मैं सारा एक में पिरो दूंगी, इनकी लड़ियां बना दूंगी। और इस तरीके से जो लकड़ी मैंने ली थी, जो स्टिक ली थी, उस पर लपेट दूंगी लगभग 4 इंच छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पे जरा जरा सी छोटी छोटी गांठ जैसी हैं, तो वहीं पे लपेटूंगी तो ये बहुत सुंदर लगने वाला है। तो मैंने सारा बना लिया है पूरा। कुछ छोटी लड़ी है, कुछ बड़ी लड़ी है, और एक दूसरे को डिफरेंट देते हुए अब मैं सारा इसको हैंग कर दे रही हूँ। अच्छे से मजबूती से इसको बांधना है। क्योंकि ये थोड़े दिन नहीं, बहुत सारे दिन चलने वाली हैं। और ये बनाई है मैंने क्यूट क्यूट सी बर्ड्स। अगर आप लोग चाहो इसका वीडियो देखना, तो मैं इसका वीडियो बना दूंगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप जानना चाहते हो कि बर्ड्स कैसे बनाई मैंने। और आप देख रहे हैं बहुत सुंदर लग रही हैं। अभी मैं फ़िलहाल इसको अच्छे से लपेट दूंगी ताकि कहीं से भी हमारा ऊन जो है निकला ना रहे। अब मैं ले रही हूँ डबल ऊन करके, और इसकी मैं बनाऊंगी डोरी। तो मैं बस डबल ही ऐसे इसको हैंग करूंगी। अब यहाँ पे मैं गांठ लगा दूंगी। मजबूती से बांध देना है ताकि निकलने ना पाए, क्योंकि इस तरीके के बने हुए DIY हमारे पास सालों रहते हैं और ख़राब नहीं होते। तो इन्हें जितनी मजबूती से बांधा जाए, जितनी मजबूती से इनको कवर किया जाए, वही अच्छा है। तो एक्स्ट्रा ऊन था वो मैंने कट कर दिया है, और मुझे जितना लेना है मैं उसका मेजरमेंट ले करके ले लूँगी इस तरीके से। अब मैं यहाँ भी नॉट लगा दूँगी। और जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर दूंगी। बचे हुए ऊन को भी अच्छे से गांठ लगाते हुए इसी में कवर कर दूंगी। और जो बचेगा ये देखिए, अब जो ऊन निकले हुए हैं थोड़े थोड़े से, उन्हें भी कवर कर देंगे। इससे मजबूत भी हो जाएगा और देखने में बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि आपका कोई जॉइंट पता नहीं चलेगा कि हमने कहाँ से इसको बांधा है, तो ये ज़्यादा सुंदर होने वाला है।
तरीके से। और ये लास्ट वाला भी बांध देते हैं। ये देखिए बन गया ना परफेक्ट। और कहीं से पता भी नहीं चल रहा कि हमने कहाँ पे कौन सी जॉइंट की है। तो चलिए अब हम बर्ड्स लगा देते हैं। तो एकदम किनारे पे लगाऊंगी मैं बड़ी वाली बर्ड, इसको लगाते हैं किनारे पे। और बीच में मैं लगा दूंगी दोनों छोटी छोटी वाली आसपास। अरे कितनी सुंदर लग रही, बहुत ही सुंदर। हो सकता है आपको वीडियो में उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन रियल में बहुत सुंदर लग रही हैं। तो इस तरीके से ये बन गया है। और आइए अब हम बनाएंगे छोटी छोटी सी पत्तियाँ जो मैंने बना करके पहले से रखी हुई है, उन्हें मैं लगा दूंगी इस तरीके से। ये पत्तियाँ मैं कैसे बनाती हूँ ये आपको किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो ये भी मैंने लगा दिया। और ये देखिए जब हमने इसको वॉल पे हैंग किया तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक, मैंने किस तरीके से इसको हैंग किया है और ये कितना सुंदर गजब का लग रहा है। देख लीजिए ये कैप है और कैप से बन सकता है कितना खूबसूरत DIY।